हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी मैथ के क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या देखिए रखा आपके सामने है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जब बेसिक चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बताया था कि बहुपद का शून्य क्या होता है। क्या बताया थे कि शून्य चर का वो मान है जिससे के रखने पर वो बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो आपको देखे क्या देखे रखा पी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव। तो आप ये सोचो कि x की जगह में आप कौन ऐसा वैल्यू रखोगे जिससे ये पूरा का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, है ना। तो क्या हम लोग देखेंगे, देखिए शून्य निकाल रहे हैं हम लोग, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो। समझ में आया, क्योंकि हम लोग बहुपद का शून्य निकाल रहे हैं तो ये पी एक्स बहुपद किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। और आपको बहुपद क्या देके रखा है, एक्स प्लस फाइव, ये कितना हो जाएगा, जीरो। और यहां से एक्स का मान निकालो तो कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। समझ में आया, यानी इसी माइनस फाइव को इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इसका मान। तो एक्स बराबर माइनस फाइव क्या हो गया, इसका शून्य हो गया, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू क्या देके रखा आपको, कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। तो कैसे निकालोगे, यहां से सिर्फ कर लेना पी एक्स बराबर जीरो, चूंकि शून्य निकाल रहे हैं। और यहां से पी एक्स की जगह में क्या होगा, एक्स माइनस फाइव, ये बराबर जीरो आ जाएगा। और यहां से एक्स का मान निकालोगे तो ये माइनस फाइव उधर जाएगा तो प्लस में फाइव, यानी फाइव हो जाएगा आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या देख रखा है, कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। समझ में आया। अब यहां से देखो हम लोग शून्य निकाल रहे हैं तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, और पी एक्स की जगह में क्या देके रखा है, टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ, तो ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। और यहां से अगर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स बराबर ये फाइव इधर प्लस में, इसको बराबर के उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में। और एक्स बराबर लिखोगे तो देखो ये जब भी कोई कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल लिखा हुआ अटैच रहे तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। यानी ये दो को अगर उधर भेजते हैं तो क्या आता है, माइनस फाइव बाई टू। समझ में आया, तो शून्य क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या देख रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर में पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहां से थ्री एक्स इक्वल टू देखो माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस में टू, और एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री। समझ में आया। चलिए फाइव नंबर देखो तो क्या देख रहेगा क्वेश्चन नंबर फाइव में, कि पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स। यहां से क्या करेंगे हम लोग, पी एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, और यहां से थ्री एक्स बराबर जीरो, और यहां से एक्स का मान निकालोगे तो जीरो बाई थ्री। और जीरो को किसी भी नंबर से भाग देने पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, किसी भी नॉन जीरो नंबर से भाग देने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये देख रखा, देखिए आपको ये देखकर की घबराना नहीं है, ये सिर्फ वो अपना फर्ज अदा कर रहा है कि यहाँ पर ए जो है वो एक नॉन जीरो नंबर है ना, जैसे ये टू भी हो सकता थ्री भी हो सकता एक ही जगह में, ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं है। लेकिन हम लोग को उससे घबराना नहीं है, ये समझो कि वो है ही नहीं। तो पी एक्स बराबर कितना पुट करेंगे, जीरो। और यहां से ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। और यहां से अगर एक्स का मान लिखोगे तो जीरो बाई ए, ये ए इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा ना, और जीरो बाई ए कितना होता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब शून्य क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो इसी एक्सरसाइज, इसी क्वेश्चन का और इसी एक्सरसाइज का भी कहें तो गलत नहीं होगा। क्या देख रखा क्वेश्चन नंबर सेवन में, कि पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। और क्या देख रखा है, कि सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, वही बोले है ना, जो अपना फर्ज अदा कर रहा। और सी और डी क्या है, वो एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। वास्तविक संख्या पढ़े होंगे है ना, जब बेसिक हम पढ़ाए थे पहले, जिसमें वास्तविक संख्या बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की मिलने से जो है ना संख्याएं बनती है वो क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है, यानी उसके समूह को ही वास्तविक संख्या बनती है।
चलो खैर पीएक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहां से सी एक्स प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो ये कंसीडर करो कि कोई नंबर है ना, ये मान के चलो कि कोई यहाँ नंबर है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, नहीं तो आप सब समझ रहे होंगे कि कैसे होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी एक्स और प्लस में डी उधर जाएगा तो माइनस में डी, और एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई सी। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद से पहले इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद जहां पर दिक्कत होता है तब इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, हम लोग शेषफल प्रमेय देखेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।